स्नेह भेंट हो रहा है, आजीवन आशीर्वाद की कामना है बड़े भैया से। आइए एक टुकड़ा सुनिएगा। सुने गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बोले कि आ गई आज मैं जब मैं कुंवारी रही गया ताज इन के गए मेरी बिखर लट
अभी हम सभी लोगों ने सम्मानीय नीलम विश्वकर्मा जी द्वारा श्रवण किया। कबूतर था तो बिल्कुल बेखबर था मैं, मगर वो मुस्कराता है तो अब आग लगती है। बहुत अच्छा हुआ जो शब्द बागों से मैं बच आया। गनीमत है कि मेरे छप्पर पे लौकी अब भी फलती है उन बागों से। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हम सभी लोग श्रवण किए सम्मानीय नीलम विश्वकर्मा जी द्वारा। जहाँ पर कोठे की बात या कोठी की बात होती है तो आजकल के समय में कोठे में जो पड़े थे वो कोठी में आ गए, कोठे पे जो पड़े थे वो कोठी में आ गए। भूखे थे चार दिन के वो रोटी में आ गए। एक बार मल्लिका से मिलके हुआ ये असर, एक बार मल्लिका से मिलके हुआ ये असर कि बाबा रामदेव लंगोटी में आ गए। तो बहुत अच्छा जहाँ पर कोठे और कोठी की बात हो, क्योंकि आजकल टीवी में दो ही बाबा छाए हुए हैं, एक बाबा रामदेव और एक बाबा कामदेव। लेकिन इस समय जो मौसम आया है अपने क्षेत्र में, एक और बाबा है वो हरामदेव है, जो 5 वर्ष तक मुंह नहीं दिखाते हैं। पहले आप उनके चरण, आपके चरण छुएंगे, बाद में आपको उनके चरण छूना पड़ेगा, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ गया है। तो उन बाबा को हरामदेव कहते हैं, जो 5 वर्ष हमारा वोट लेकर के पता नहीं किस बिल में घुस जाते हैं। तो आइए आह्वान कर रहे हैं एक बार पूरा सचदेवा शरारती को। सारी रात भर एक से एक जो भी गीत सुने होंगे वो बिल्कुल अच्छे प्रसंगों पर रहे हैं, साहित्य पर रहे हैं। कभी कभी आपको कलाकारों ने हंसाया है, लेकिन जो आपको दोनों पार्टी कलाकारों द्वारा सुनने को मिल रहा है वो वास्तव में तात्विक ज्ञान है। अगर इतना ही हम लोग मनन कर लें तो किसी श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा या कहीं पुराणों से कम नहीं है। जो सूत्र चाहो नीलम विश्वकर्मा जी के द्वारा सुन रहे हो या सचदेवा शरारती के द्वारा, बहुत अच्छा। क्या बात है, चाय पिलाने वाले का
तो कोई जवाब ही नहीं। हम लोग राउंड में थोड़ा बहुत समय जरूर कलाकार ले लेते हैं, लेकिन आप चाय पिलाने में जरा सा भी देर नहीं करते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। और संजय भैया, बिल्कुल आपके बारे में बस केवल यही कहना है, श्रृंगार देखा नहीं दुल्हन जैसा, दर्द देखा नहीं बिरहन जैसा। देखने को तो बहुत यूट्यूब चैनल देखे पर पाया चैनल नहीं केएस म्यूजिक जैसा, कशिश सिंह राठौर जैसा। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत करें। चूंकि चीज था कि जब बहुत अच्छी बात है, नीलम ने कहा था कि परमात्मा जिसके साथ हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और जो आगे बढ़ेगा तो उसकी आलोचनाएं होना तो संभव ही है, लेकिन भगवान की कृपा कि आप ही तो कृपा के करुणा कर, आप हैं तो आप ही तो दया के हैं सागर, डूब जाएगा वो तो ऐसे प्रभु आपने कर से जिसको छोड़ दिया। भगवान की कृपा हो तो कोई डूब रहा हो तो उसको ऊपर कर ले, और भगवान अगर डुबो दे तो फिर वो पार नहीं पा सकता है। तो आप सभी लोग हम लोग एक रहे, समालोचना जरूरी है लेकिन केवल आलोचना ही किसी की करना वो अच्छी बात नहीं। आइए सीधा लिए चल रहे हैं सचदेवा की तरफ। हेलो, थोड़ा बड़ा ये भाई और थोड़ा बड़ा। हाल चाल हो हेलो हेलो हाँ हाँ ठीक भैया, इसका बेस थोड़ा काट के आवाज बढ़ा दो आखिरी। आइए दो टुकड़े में जवाब दे दूं, इसे इसके बाद मैं मेरा कार्यक्रम आखिरी होगा। हेलो हेलो आज भैया जी शांत रहे, ठीक है, चाय आराम से पिए। आप ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया बड़ी बहन, पर आज सारी धुने हमारे लिए आप सेट करके लाई। तुम्हारा छोटा भाई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बड़ी बहन से सुनेगा तभी गाएगा। सही के आ गई आज मैं सितम दिया सुप्रिया।
में नींद लगी है, बस आखिरी अच्छा सर दर्द कर रहा है, पर मेरा कहना है बहुत ये अच्छा गीत जो आपने दिया, शुक्रिया शुक्रिया आपका शुक्रिया। प्रसंग लिया द्रौपदी का, मैं प्रसंग ले रहा हूं कुंती का। बहुत अच्छे बेटे। कर्ण के द्वार पे हे रे रे रे, ये कर्ण के द्वार पे कुंती माथ कहने लगी, कर्ण से जोड़ के दोनों हाथ, कर्ण मैं तेरी माँ हूं, देवेंद्र भैया मैं तेरी माँ हूं, तेरे पास जो पांच बाण हैं उनको तू मुझे दे दे। कर्ण कहा उस वक्त तेरी ममता कहां गई थी, उस वक्त तेरी ममता कहां गई थी, तो कुंती कहने लगी क्या कुआरी मां जब बनी है, कुआरी माँ जब बनी कुआरी माँ जब बनी कुल को दाग दिया, और लल्ला बस इसी दाग के लिए बहा कर जल में तुझको मैंने त्याग दिया, मैंने त्याग दिया। बच्चे को नहीं अपनाऊंगी, अपने कलेजे में ठंडक देकर अपने पत्थर रखकर मैंने विधाता से मैंने आज कर नो दिया। तो बेटा आज अगर तूने नोकिया नोकिया जो तूने नोकिया आपने कहा सो किया, पर कुंती कह रही है पार देने से तूने जो नो किया, नो किया नो किया जो तूने नो किया, नो किया नो किया जो तूने नो किया, नो किया नो किया तूने नो किया।
कहां जा रहे भैया? बहुत ही सुंदर सा गीत आया। अच्छा किया जो आपने धोखा दिया मुझे, उम्र भर के वास्ते तड़पा दिया हमें। जिनको सवारने में ये उम्र गुजर गई, आज वो समर गया तो उलझा दिया हमें। के उस जालिम ने दर्द जगा के, अरे गम के हवा ने छोड़ दिया। जोड़ लिया नाम से अपने नाम प्रिया का, राम ने जोड़ लिया। बात आई जोड़ लिया, जवाब दे रहा हूं भैया जी, अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। आज प्रभु राम ने जब मां का त्याग कर दिया, मां सीता का, वनवास से घर आई, घर से फिर वनवास हो गया, तो मां सीता कह रही है क्या, एक दिन आपने तोड़ी के धनुआ, पर आज
प्रभु आज आज सिया से मेरे प्रिय वर क्या हो गया है स्वामी लाखन भैया नाम है आपका सुनेगा कि आज प्रिया से मेरे प्रिय वर अपना दुख क्यों मोड़ लिया आज अपना रुख क्यों मोड़ लिया अरे आज सिया से मेरे प्रिय वर अपना दुख क्यों मोड़ लिया और एक दिन नाम को आपने जोड़ा था आज प्रभु नाम से अपने नाम सिया का नाम से अपने नाम सिया का प्रभु नाम ने तोड़ दिया ओ, 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 लक्ष्मण भैया का त्याग कर दिया जब त्याग कर दिया तो लक्ष्मण भैया कह रहे हैं क्योंकि पहले वशिष्ठ जी ने नाम जोड़ लिया था कि राम लखन सुनेगा समझते रहिए भैया क्योंकि गुरु वशिष्ठ तछ राखा लक्ष्मण नाम उधार जब नाम आपसे जोड़ दिया प्रभु नामकरण भी हो गया लक्ष्मण नाम विख्यात हो गया जहां मिलेंगे लक्ष्मण राम मिलेंगे आज प्रभु अरे चरण कमल अनुरागी लक्ष्मण अरे विधाता ने ही लिख दिया अरे राम चरण अनुरागी लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ ने लिख दिया प्रभु विरह के सागर में ऐ रघुवर विरह के सागर में है रघुवर हमें आज जब आपने मेरा त्याग किया तो नाम से अपने नाम लखन का ये कहा गया राम लखन पर नाम से अपने नाम लखन का प्रभु नाम ने अरे तोड़ दिया सरकार की जय ये
मेरी तरफ से गीत भाग देवेंद्र भैया आदेश दे क्या करें। हाँ हाँ गुड्डू भैया ना नीलम बहन देवेंद्र भैया दीवाना तेरा आया बाबा तेरी सिरडी में है अजब तरी हका या इको काम करता है हम लोग इको बना लेते पर आप ना करना वो कर रहे हैं पीछे है अजीब तरी हका ये सामान तेरे काशी में आता हिंदू व मुसलमान तेरी काशी में होते जो आते परेशान तेरी काशी में पाते हैं निदान तेरी काशी में तो दीवाना तेरा आया बाबा तेरी सिर बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं अगर सच्चे भक्त हैं तो मीठी मीठी तालियां बजा के कहेंगे जो सच्चे भक्त हैं बाबा के अरे मारे शुक्ला जी ध्यान दीजिए अगर सच्चे भक्त हैं बाबा के तो कहना है क्या? अरे बहती है गंगधारा अरे बहती है गंगधारा अरे बाबा तेरी काशी काम लगा हमारे आदरणीय न्यू गुप्ता